राम राम भैया बेनिहारा, बांदा की चुगली माँ तुम्हारा सब जने का खूब खूब स्वागत है। तो भैया बेनिहारा, आज का वीडियो सगट माता क्या रहा यही से ठोक के लाइक करा, और हाँ वीडियो का पूरा लिखा। अरे हो पहाड़ी वाली का होत है। अरे ये तो राली जी जी, तुम बड़े दिन आज दर्शन दिन आवा आवा का हूँ खे है। तो आज बढ़िया निकला है ठेठुर के घाम, तो घाम ले तू। अरे बुरी आज बड़ा काम है, बैठे के सही तारी तो नहीं है, पर तो कहे बैठ गए तो इसे एक काम आ रहा है बहनी। अरे जी जी, तो दिल खोल के बतावा ना। अरे बुरी आसो की साल मत तिल नहीं भाई, अब पर साल का तिल धरा रहा है तो वह गह सर तम का मत तो इसे ले आओ पौआ उजरी भर। आज गणेश ही आना तो रात की पूजा पाजी का लागी। गणेश जी जी, यह काम त्योहारा है हमारे तो घर में कौन ही रहता। अरे बुरी गणेश है ये सकट चौथ का त्योहार भी बोला थी। रात में अम्मा चंद्रमा निकला थी तब पूजा कीन जाती है, रख दीन जाती है, दिल का पहाड़ लगा हो जाता, तो ये तो पता नहीं है। अच्छा जी जी, ये मैं काका होते है पूरा बताओ ना। अरे बुरी या अपने पति की लंबी उम्र, घर में सुख संपत्ति और अपने खास तौर पर औलाद के रहने लगा जाते हैं। अच्छा जी जी, ये बतावा ये कि कसत कीन जाती कौन कथा बता है कही जाती, कसत कीन जाती मैं रहूं का। अरे कहे नहीं, ये भी रहता है को भी रह सकित है, जब ये कथा सुनी है तब ते पता चली ये व्रत का महत्व। अजीत जी तो जल्दी से सुना दे ना राम देखे। अरे यार मोह मई के मैं तो कहूँ राहत नहीं रहा, अहो हाई को है मैं अमो बप्पा दे जने राहत रहन अहूँ को नहीं है, तो मुँह तो राम देखे पता नहीं है, बता देना अजीत जी। ठीक है मैं तो सुनाई देत हूँ। हाँ हाँ जी जी, एक साहूकार रहा और एक साहूकारनी, वो दोनों धर्म पुण्य का एक को न मानत रहे, और यही के कारण हो चाहे भगवान की दया समझ लिया कृपा समझ लिया कि उनके औलाद ना रहे। एक दिन साहूकारनी पड़ोसिन के घर गए, वो पड़ोसिन करती सकट चौथ की पूजा। तो साहूकारनी पूछते या का करे थिया, तो बताइस किया जाए सकट चौथ का व्रत जिसे मैं पूजा करत हूँ। तो साहूकार ने बोली कि चौथ के व्रत करें से का होत हवे, अगर ये चौथ के व्रत करो तो काम वो लड़का हो जाए। तो वह बोली हाँ कहे नहीं, तो कहा ठीक है अगर हो जाए तो मैं सकट चौथ का सवा तिल कुट चढ़ाई हूँ और ये व्रत करी हूँ। तो अब भगवान के महिमा भगवान गणेश की कृपा से साहूकारनी पेट से हो गए। तो वह बोली कि अगर मोर लड़का हो जाए तो मैं तिलकुट चढ़ाई हूँ, कुछ दिन बाद वही के लड़का होएगा। तो वह फिर बोली कि हे चौथ भगवान, अब जब मोर लड़का का विवाह हो जाए तब मैं 5.25 शेर का तिलकुट करी हूँ, कुछ साल बाद वही के बेटा का ब्याह होता होएगा। अब लड़का का ब्याह होता होएगा वही के बारात तो चली गई, पर यह साहूकार ने तिलकुट ना चढ़ाई जैसे देव क्रोधित हो गए, और उनका करीन जय लड़का के फेरा पड़त रहा तो लड़का का इंतन गायब करीन उठा के सीधे पीपल के पेड़ में बैठा देन। सब जते बार आती रहे घर आती रहे सब लड़का का ढूंढे ला, पर वह नहीं मिला। हताश हुई हुई के सब अपाय अपाय घरे लौट आए। इधर जौन लड़की से साहूकारनी के लड़का का विवाह होते वह अपने सहेलियन के साथ गड़गौर के पूजा करे जंगल गए एक दिन। तब रास्ता में पेपर के पेड़ से एक आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह सुन के लड़की घरे आई, उसके बाद सोचत विचारत रहा थी कि आखिर मुझे ऐसी आवाज कहे आवत थी। और धीरे धीरे सूख के कांटा हुआ लाग, तो ये दिन महतारी का उसके बड़ी चिंता भी कि मैं इतना खवावत पियावत ही अपने बिटिया का फिर भी यह सूखत जाती, ऐसा कहे पूछी सब बिटिया से। तब फिर वो बिटिया बताई सब अपने महतारी से कि मैं जब भी जंगल धूप ले जाता हूँ तो मुझे पीपल के पेड़ के से एक आदमी की आवाज आती, अब वह मुझे बुलाओ करते ओ मोरे अर्ध ब्याही, ओ मोरे अर्ध ब्याही। तो वही के महतारी जय यह सब सुनीस तो कही ठीक है बिटिया सकारे मैं जई हूँ तय ना जाए डूब लें। जय वजह के वहाँ दिखिस पीपल के पेड़ के पास तय वह लड़का निकरा वही का दमाद। ते पूछिस बेटा तो मोई बिटिया का ब्याह ही करके यहाँ पेढ़ी में कहे चढ़ा बैठा। तो वह बताइस लड़का कि मो महतारी चौथ का तिलकुट चढ़ाओ का बोली रही सी, अब ये व्रत पूरा नहीं करीस ऐसे चौथ माता नाराज होके मुँह यहाँ बैठा देनी।
तो अब वो हाय बिटिया के महतारी, अपाय बिटिया के खुशी खातिर तो मरई सबे कुछ करत है। वह भागत गई वह साहुई कारनी के पास। अब बोलिस कि तुम कुछ कह रहे हो, तय फिर वह साहू कारनी का याद आवा कि यार यार मैं तो तिलकुट बोले रहे हूँ चढ़ावे का और नहीं चढ़ाया हूँ, तय से आया सब है। फिर वह कहिस कि हे गणेश भगवान, मैं अब तुम्हार तिल ढाई मन का तिलकुट चढ़ाई हूँ, लेकिन अब तुम मोर हर गलती क्षमा कर दिया। यही से फिर गणेश भगवान प्रसन्न भी और उनके बेटे का ब्याह धूमधाम से भा। फिर जब बेटा बहू घरे आ गए तब फिर वह साहूकार ने ढाई मन का तिलकुट चढ़ाईस और बोली, हे चौथ देव, अब तुम्हारे आशीर्वाद से मो बेटा बहू घरे आए हैं, जैसे मैं हमेशा कह तुम्हारा व्रत करी हूँ और तिलकुट चढ़ाई हूँ। तो बस फिर तैसे मराई ये व्रत रहा लाग सबे को तिलकुट चढ़ावे लाग। अब भगवान गणेश की कृपा से उनका घर खुशहाली से रहा लाग। तो यहाँ होत है तिलकुट यानी गणेशन का त्यौहार। अब भगवान गणेश की कृपा, मैं तो कहा तो जाऊंता ना वो साहूकारनी के घर में बरसी है, वहीं था ना ये कहानी सुने वालेन का, कहानी कहाँ वालेन का और ये व्रत श्रद्धा से रहा वालेन का। सबका गणेश भगवान सुखी राखें। आई गुहार जीजी, आ जाए मैं ये कहानी सुनी हूँ, तो मैं कराम देखिए इतना नहीं पता रहा, सुना करती रही हूँ कि हाँ हुआ थे कौनों गणेशन का त्यौहार, पर मुझे राम देख के नहीं पता रहा। जीजिया अब आ जाई तो मैं अटरिया में धारे हैं तिल, तो मैं निकरा के अब भेजूँ। जीजिया महू रही हूँ, आज ये सकट चौथ का त्यौहार है जीजी। हाँ हाँ कहे नहीं तहूँ रहे, मैं तो कहते सब कर रहा चाहे, पर जीजी अगर मैं ना पूछ पाऊँ तो मुझे पूजा विधि बता दे है ना। अरे उरी काहे टेंशन ली थी, कनो बहुत नहीं है मैं पहाड़ वहाँ कि का करें, मैं बहुत पहाड़ा पढ़े खाए। अरे नहाए धो के अपन दिन भर उपास रह खात है, रात में बढ़िया शकरकंदे चुरा के रख ले, सब पूजा कर ले, अब बस चंद्रमा जहाँ हुई आवे तो अर्घ दे दे, खे बहुत पहाड़ा पढ़े खाए। हाँ हाँ जीजी मुझे राम दे बहुत नीक लाग, मोर अंदर से मन बोलत है कि मैं ये रहूँ, मैं तो रहावे करी हूँ। अरे मो बहनी हरा देवरानी जेठानी हरा, तुम पंचे को हो या सकट चौथ का व्रत। अरे मो कहा का मतलब ये गणेशन का व्रत, जो को हो ना सब जने के कमेंट में जय श्री गणेशाय जरूर लिख देना। और हाँ हाँ तुम्हें हम अपन जन के वीडियो नीक नहीं लागू करती हैं का, क्योंकि ये समय पे ना तुम वीडियो का लाइक नहीं करा करते। अरे नहीं नीक लागते तो डिसलाइक कर दिया करा, पर कुछ तो करा करा। चला मिलबे अब अगले वीडियो में, बहुत सारी तैयारी करे मैं गणेशन के, मेरे पास ना आज ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चला फिर बाय बाय।